ओम अन्नपूर्णाय नमः, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार करना था तो बिल्कुल शुद्ध मन से और भगवान का नाम लेके भोग बनाना शुरू किया। आज बहुत सारी चीज़ें बननी हैं, तो सबसे पहले मैंने ना खीर बनानी शुरू की। आज मैंने ना ईशु से पूछा, कौन सी खीर खाओगे, मखाने की या साबूदाने की? उसने बोला साबूदाने की खीर। तो बस मैंने ना यहाँ पर वो जो छोटा वाला साबूदाना आता है ना, आधी कटोरी वो ले लिया है। देखिए किस तरीके से होता है, बिल्कुल पर्ल जैसा लगता है। इसे मैंने धुल लिया है और धुलने के बाद फिर इसे मैं दूध में डाल दूंगी। यहाँ हमें साबूदाने को भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध में डालें और गैस की फ्लेम को ना बिल्कुल धीमी कर देना है। धीमी आंच पे इसे हम आराम आराम से पकने देंगे। बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिएगा, नहीं तो तले से खीर जलने का डर होता है। चलिए, खीर हमने रख दी है बनने के लिए, अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 टमाटर। अब थोड़े सस्ते हो गए ना, पहले कितने महंगे थे, यहाँ तो 400 रुपये किलो तक किया टमाटर। चलिए, टमाटर के साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ले लिया है। अब इन्हें हम चॉप कर लेंगे। ज़्यादा बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली तो इसे हमें पीसना ही है। एक मैंने ना कुकर ले लिया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। मुझे ना आज बहुत सारे बर्तन की ज़रूरत है, तो बस सारे ही यूटिलाइज करने हैं। कढ़ाई में ना मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। जब सरसों के तेल से ना धुआं आने लगे, तो इसमें मैं 1 चम्मच जीरा और 1 इंच अदरक का बारीक कट किया हुआ डाल दूंगी। अब इसे हमें हल्का सा भून लेना है। आप देखेंगे कि अदरक की ना आपको खुशबू आने लगेगी, बस तभी तक। फिर इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने से जो आपकी ग्रेवी होगी उसमें एक थिकनेस आएगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। चलिए, बेसन हमारा भुन गया था, तो इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला और फिर टमाटर डाल दिया और फिर नमक स्वाद अनुसार डाल के मिक्स करेंगे, जब तक टमाटर बिल्कुल मशी नहीं हो जाते। और बीच बीच में खीर को चलाते ज़रूर रहिएगा, भूलिएगा मत। साथ में मैंने सोचा आज बनाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी। कई लोग इसे काशी फल और पेठा भी बोलते हैं, राइट? तो चलिए, सबसे पहले मैं कद्दू कट कर ले रही हूँ। आज मैं ना कद्दू का छिकल नहीं हटा रही हूँ, बहुत ही फ्रेश कद्दू है और हरा कद्दू है, बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए, मैंने कद्दू को भी छोटा छोटा कट किया है, ज़्यादा बड़ा नहीं कट किया है, बिल्कुल वो भंडारे स्टाइल वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। इसकी रेसिपी ना मैंने ऑलरेडी ही चैनल में शेयर की हुई है, तो ज़रूर आप देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए, कद्दू मैंने कट कर लिया है, अब इसे हम छौंक लेंगे। अब इसे छौंकना कैसे है, क्या क्या इसमें डाल रही हूँ, मैं अभी डिटेल में यहाँ नहीं बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हाँ, आप देखते होंगे मैं अपने खाने में ना बहुत बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मसालेदार ना मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही सिंपल खाना पसंद है। और यहाँ पर खीर भी हमारी पक रही है। साथ में देखिए, टमाटर जो हमने गलने के लिए रखे थे बिल्कुल मशी हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब इसे ना हमें पीस लेना है। अब मैंने क्या सोचा, इसे मिक्सी में नहीं पीसते हैं, बीटर का यूज़ करके पीस लेंगे। तो मैंने बीटर से इसे बिल्कुल पीस लिया है, जितना महीन आप कर सके उतना महीन आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, ग्रेवी कितनी मस्त लग रही है ना, कलर भी कितना प्यारा है। और यहाँ पर खीर भी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी डाल के भी हम 5 मिनट और पका लेंगे। जब तक खीर हो रही है, ग्रेवी पक रही है, क्योंकि हम बना रहे हैं आज मखाने मटर की सब्ज़ी, तो एक कढ़ाई में थोड़े से मखाने डाल लीजिए और उसमें हम घी से भून लेंगे। मखाने थोड़े से ज़्यादा रखें, क्योंकि सब्ज़ी में जाने के बाद ना वो थोड़े, एक तो साइज़ छोटे हो जाते हैं और फिर क्वान्टिटी कम लगने लगेगी आपको, तो थोड़ी सी क्वान्टिटी ज़्यादा रखिएगा मखाने की। और बस मखाने जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते, तब तक आपको इन्हें भून लेना है। देखिए, खीर हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। मुझे ना साबूदाने की खीर में ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है, इसलिए मैंने इन्हें डाले हैं। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ मखाने हमारे हो गए हैं, तो इसे मैं ग्रेवी में डाल रही हूँ। ये ना हमारे पड़ोस का बच्चा है, इसको ना मुझसे बात करने में बहुत मज़ा आता है, तो बस आ जाता है हमेशा। तो चलिए, मैंने मखाने इसमें डाल दिए हैं, ग्रेवी में सोक करने के लिए रख दिए हैं और ऑलमोस्ट हो गए हैं। कितनी मस्त लग रही है ना सब्ज़ी। अब क्योंकि मखाना मटर की है, तो मटर तो जाएंगे ही। और आज सुबह ना कान्हा जी के लिए मैंने मिश्री माखन बनाया था, तो माखन निकाला था, साथ में थोड़ा सा खोया भी बन गया था, वही थोड़ा सा खोया मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ी सी
दूध के ऊपर जो मलाई निकलती है वो भी आप डाल सकते हैं। इससे ना बस आपकी ग्रेवी थोड़ी रिच हो जाती है, और भाई कान्हा जी के लिए बना रहे हैं थोड़ी तो रिच होनी ही चाहिए। ऊपर से मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, और बस थोड़ी देर ना पकने के लिए छोड़ेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है क्योंकि मखाने भी अभी पानी पियेंगे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है। चलिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अभी पंजीरी नहीं बनी है तो पंजीरी भी बना लेते हैं। एक कटोरी आटा ले लिया है, थोड़ा सा घी के साथ इसे हम भून लेंगे। अब पंजीरी कैसे बनाना है ये भी मैं वीडियो में नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप सभी को तो पता ही होगा। चलिए यहाँ पर हमारी कद्दू की सब्ज़ी भी हो गई है, बहुत यम्मी दिख रही है। खैर यम्मी सिर्फ दिख नहीं रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। बस ऊपर से मैं डाल रही हूँ बारीक कट की हुई धनिया पत्ती दोनों ही सब्जियों में, और आटे को भी ऐसे नहीं छोड़ना है, बीच बीच में चलाते जाइएगा। चलिए सब्जी भी हमारी हो गई है, अभी ने हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में, और जैसे जैसे हमारी चीज़ें तैयार होती जाएंगी ना इन्हें हम रखते जाएंगे साइड में। तो चलिए मखाने मटर की सब्ज़ी तैयार है, कद्दू की सब्ज़ी भी तैयार है, खीर भी तो तैयार हो गई है। अब बस रायता, मैंने ना आज बूंदी का रायता बनाया है ऊपर से तड़का लगा के, मस्त लगता है। चलिए रायता भी तैयार है। अब मैंने ना आटा गूंथ लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली पूड़ी बनेंगी आज, रोटी नहीं। भाई कान्हा जी का बर्थडे है तो बिल्कुल पार्टी तो होनी चाहिए ना, तो देसी खाने वाली पार्टी। पंजीरी भी हो गई थी, इसमें मैंने ना बूरा डाल दिया था फाइनली, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, हम पंजीरी में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं। बस इसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और यहाँ आशीष मेरी हेल्प कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स कट करने में पंचामृत के लिए। तो सारे ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट कट हो गए हैं, नारियल भी ग्रेट हो गया है। चलिए अब तब तक ना मैं आलू छौंक लेती हूँ। हमें ना ये आलू फ्राई बहुत अच्छे लगते हैं, जो उबले हुए आलू से बनाते हैं ना, ये व्रत में हमारे यहाँ खाया जाता है। तो मैंने ये भी एक डिश बनाई थी कान्हा जी के भोग थाली के लिए। चलिए अब बस पंचामृत तैयार कर लेते हैं। तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, गंगा जल, तुलसी, कच्चा दूध और घी। अब बस सारी चीज़ें हो गई है तैयार, पूड़ियाँ भी मैंने सेक ली थी। अब लगा लेते हैं हमारे कान्हा जी के लिए थाली। कैसी लग रही है थाली नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने कान्हा जी के भोग के लिए क्या बनाया था ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जन्माष्टमी का त्यौहार मेरे लिए बहुत खास है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी के लिए। गुड़ भी हमने दो दिन पहले बनाया था, उसे मैंने ना साइड रख दिया था ताकि जूठा ना हो, तो बस वो भी मैंने कान्हा जी के लिए भोग के लिए निकाल लिया है। और यमी यमी हमारी दो थालियाँ बिल्कुल तैयार हैं, होपफुली कान्हा जी को अच्छी लगेंगी। चलिए पूजा का भी समय हो गया था, चलिए पूजा के लिए नहीं अभी चलिए। हमारे यहाँ ना पूजा की जिम्मेदारी आशीष उठाते हैं, मैं एक हेल्पिंग हैंड की तरह उनकी हेल्प करती हूँ। चलिए हमारी पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई, और कान्हा जी का भी हमें आशीर्वाद मिला, और हमने बहुत अच्छे से कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आपने क्या क्या किया जन्माष्टमी के त्यौहार में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपका भी त्यौहार ऐसे ही मंगलमय रहा होगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, और कुछ भी क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।